वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस स्थान से असीं हुण जाण लगे हैं उहदा नाम है गुरद्वारा गऊघाट, इतिहासिक गुरद्वारा पहली पातशाही का, बहुत ही सोहना गुरद्वारा बनया हुआ है। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हाँ उस जगह देखने वास्ते। आओ तुसीं साडे नाल चलो ते दर्शन करो गुरुद्वारा गऊघाट दे। मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया। लुधियाना स्थित गुरुद्वारा गऊघाट, पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थान, जिहड़ा दिल्ली तो तकरीबन 325 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हों पुजन वास्ते 6 घंटे का समय लगता है। गौशाला रोड से स्थित होने के कारण इस स्थान का नाम गुरद्वारा गऊघाट पिया। जिहड़ा इतिहास सानू थोड़ा बहुत इस बारे पता है वो यह है कि यह स्थान जिहड़ा है यह सतलुज दरिया के किनारे होया करता सी। सतलुज से अक्सर इतने फ्लड आया करता सी। गुरु नानक देव जी सन 1515 इतने पधारे, इतने का नवाब जलालुद्दीन खान महाराज नूं मिलन वास्ते आया। उन्हें बेनती की महाराज नूं कि इत्थे हड़ आया करता हैगा। महाराज ने वचन उचारे कि अगर तुसी इत्थे दी प्रजा नाल न्याय करोगे ते न्याय संगत तरीके नाल अगर इत्थे दा घर पार चलाओगे ते इह सारी चीज़ां दूर हो जाणगियां। इतिहास आखदा है कि उस दे उपरांत इत्थे एक छोटा जिहा दरिया जिहनूं बुढ़ा दरिया कहिंदे ने उह हैगा, ते सतलुज तकरीबन 7 कोस यानी कि 14 किलोमीटर दूर इत्थों पिछे हट गया। आओ इस गुरद्वारा साहब भी जाके इहदे दा होर इतिहास जानते हैं ज्ञानी जी तो, ते आप जी नूं दर्शन भी कराने। लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया। ये गुरु नानक पातशाह दा ओ पावन पवित्र इतिहासिक स्थान है, जिस स्थान ते 1515 गुरु नानक पातशाह अपने उदासियां दे समय इस इलाके विच गुजरदे होए इस दरिया के किनारे ते कुछ दिन उन्होंने समा गुजारिया। जलाल खान नोदी जो सी इलाके दा राजा सी, उस राजे ने जदों पता लगा कि गुरु नानक पातशाह इत्थे पावन पवित्र स्थान ते आए ने, उस संगतां नूं नाल लै के इस स्थान ते गुरु नानक पातशाह दे कोल शरदा दे फुल भेटा करन वास्ते आए, आ के संगत की गुरु नानक पातशाह की। संगत करन तो उपरंत जदों गुरु नानक पातशाह नूं उस नवाब खान लोधी ने बेनती की कि दरिया जिहड़ा है नुकसान बहुत करदा है, तुसी कृपा करके कोई असीस दिओ ताकि दरिया जो है नुकसान ना करे ते साडा नगर जो वसदा है हर साल उजड़ जांदा है। तो गुरु नानक पातशाह ने उन्हां दी सेवा तो खुश हो के उन्हां नूं असीस दित्ती कि तुसी प्रजा दे नाल इंसाफ करो ताकि कुछ समा पा के तुहाडा ये नगर जिहड़ा है घुग वसेगा, ते दरिया नूं असीस दित्ती कि तुसी 7 कोस इत्थों दूर चले जाओ। जो गुरु नानक पातशाह दी असीस सदका सतलुज दरिया जो है वो अज दी तरीक इत्थों 14 किलोमीटर दूर फलौर शहर दे कोल वगदा पिया है। तो गुरु नानक पातशाह ने दरिया नूं होर असीस दित्ती कि दरिया इत्थे रहेगा और बुढ़ा हो के वगेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो ये गुरु नानक पातशाह की शुभ असीस सदका ये गुरद्वारा गऊघाट पातशाही पहली इत्थे दूरों दूरों संगत आउंदियां ने, ते गुरु नानक पातशाह की असीस दे नाल गुरद्वारा गऊघाट वसिया। गऊघाट क्यों पिया? इस दरिया ते इत्थे घाट हुंदा सी, उस समय आ के जो इलाके दीआं संगतां सी कपड़े धोंदियां सी, धोबी घाट सी, गऊआं पानी पीदियां हुंदियां सी, जंगल इलाका सी, इस करके इस गुरद्वारा साहब का नाम गऊघाट पै गया। सो इस स्थान पर हर साल गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब, गुरु नानक पातशाह का विआह पुरब, विसाखी खालसे पंथ का जन्म दिहाड़ा, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब और होर भी जो धार्मिक दिहाड़े ने बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाए जाते हैं। तू ही दुनिया वाली खेड रचाई। मेरे गुरु के घर गुरुद्वारा गऊघाट जिथे असीं इस वक्त खलोते हैं, मेरे पिछे तुसीं वेख सकते हैं हो एक सरोवर साहब भी इत्थे हैगा जिहदी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इस वक्त सरोवर में पानी नहीं है। गुरुद्वारा साहब की एंट्रेंस के उत्ते सज्जे ते खब्बे 2 मंदिर भी इत्थे स्थित ने, एक मंदिर शिवजी का है तो दूजा मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर हैगा।
जीता जागता सबूत है भाईचारा ते एकता दा, जिथे मंदिर भी ने ते गुरुद्वारे भी ने ते जिन्हां दी दीवारां सांझियां ने, तकरीबन नाल नाल लगदे लगदे धार्मिक स्थान जिथे असीं इस वक्त खलोते हैगे आ। इतिहासकारां ने जिस सतलुज दरिया ते बुढ़े दरिया का जिक्र किया सीगा, सतू दरिया ते इत्थों तकरीबन 14 किलोमीटर पिछे चला ही गया, लेकिन जिहड़ा बुढ़ा दरिया जिहड़ा महाराज ने अपने बचन उचारे सी कि वह इस स्थान के पिछे हमेशा वगदा रहेगा, असी उसकी सेवा ते संभाल ना कर सके। अज वह बुढ़ा दरिया बुढ़ा नाले के नाते जाने जाता है। यह इंडस्ट्रियल एरिया है लुधियाना जिथे असी खलोते है, तो वह सारा जिहड़ा पोल्यूटेड पानी है वह उस दरिया पाया जाता है। यह एक विडंबना है, गुरु महाराज हमेशा पर्यावरण की गल्ला करते रहे, पानी की संभाल, हवा की संभाल, जमीन की संभाल, पर अनफॉर्चुनेटली असी वो संभाल ना कर सके। ए हो फरियाद बाबा, ए हो फरियाद।